हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 87 तक क्वेश्चन किए थे, तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 गिवन है, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स। फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो x है उसको मानेंगे a और 1 बाई एक्स है इसको मानेंगे b। अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स, इस साइड भी स्क्वेयर करेंगे और 6 का भी स्क्वेयर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ए है यहाँ पर x और मल्टीप्लाई b है यहाँ पर 1 बाई एक्स, और इस साइड हो जाएगा 6 का स्क्वेयर 36। अब हमें ये वैल्यू निकालनी थी, तो जो बाकी बच जाएगा उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। यहाँ पर माइनस का है ये 2ab, तो राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2। अब x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। तो ये था इसका बेसिक। अगर हमें इसको ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी हो उसको हम p मान लेंगे। तो x माइनस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, p। हमसे पूछे एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा p स्क्वेयर, और जो माइनस टू ए बी था उसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2ab। ये ट्रिक लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्लास टू में, एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर हमें दे रखा हो पी, और हमसे पूछे एक्स स्क्वेयर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वेयर, तो इसमें क्या करते थे, हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो उसमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, और जो प्लस टू ए बी आया उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो जब माइनस दे रखा हो और उसका स्क्वेयर पूछ रखा हो प्लस के अंदर, तो हो जाएगा पी स्क्वेयर प्लस में टू ए बी, और जब प्लस दे रखा हो तो प्लस ही पूछे और उसका स्क्वेयर कर रखा हो तो पी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ये दोनों याद रखना, अगर ये याद नहीं है तो दोनों आइडेंटिटी तो याद ही है, उसको बेसिक से कर लेंगे। अब चलते हैं 89 पे। x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 9। हमसे पूछा x स्क्वेयर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वेयर, तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगाएंगे, उसके अंदर माइनस टू ए बी आएगा जिसको राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस टू ए बी हो जाएगा। a और b जब अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वेयर 81 और प्लस में 2ab, क्योंकि उसको राइट साइड लेके आए हैं तो a और b तो कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 83। 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4, तो ये इसका स्क्वेयर ही हो रखा है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे 5 का स्क्वेयर 25 और प्लस में 2ab, a और b अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 8। हमसे पूछा है x की पावर 6 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 6, तो ये इसका स्क्वेयर हो रखा है, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वेयर 64। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2ab, अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस 2ab करते, और a और b अपोजिट है तो इसका आंसर हो जाएगा 66। क्वेश्चन नंबर 92, x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 12। हमसे पूछा है x की पावर 10 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 10, तो इसका स्क्वेयर हो रखा है और माइनस है तो क्या करेंगे प्लस 2ab स्क्वेयर करके, तो 12 का स्क्वेयर 144 प्लस में 2ab, a और b अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 146 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। x की पावर a माइनस 1 बाई एक्स की पावर a इज इक्वल टू 7। हमसे पूछा है x की पावर 2a प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 2a, तो क्या करेंगे स्क्वेयर और प्लस में 2, ये हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 94, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 9। हमसे पूछा है एक्स प्लस में 1 बाई एक्स, तो ये इसका स्क्वेयर ही हो रखा, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, अगर इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स की पावर 1 मतलब ये इसका स्क्वेयर है, और माइनस से प्लस पे जाना तो प्लस 2ab करेंगे स्क्वेयर करके, तो 81 प्लस में 2, तो 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95,
एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3/2, इसकी वैल्यू दे रखी है 13। हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये इसका स्क्वायर हो रखा है। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस में 2, 171 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 14। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन में वाई माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन में वाई, जो वाई है वो ऊपर चला जाएगा, तो जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर है। तो माइनस से प्लस पे जाना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर 196 और प्लस में 2ab, अब दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, 198 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू 12। हमें निकालना है 5x² प्लस 5/x² और प्लस में 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर है 3x, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होना था, 9x² होना था, लेकिन यहाँ पर 5x² है, तो 5 यहाँ से कैसे आया होगा, इसने 5 की मल्टीप्लाई कर दी होगी, x² प्लस में 1/x², अगर 5 को हटाएं एक बार तो ये बनेगा, और इसको इसने फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, x², मतलब यहाँ पर x होगा और नीचे भी x होगा, उसका स्क्वायर करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर 3 है, इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे, दोनों साइड 3 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई एक्स और यहाँ पर बचेगा 4। अब इससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी सीखी थी। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 18। अब ये वैल्यू कितनी, 18, इस वैल्यू को इसने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो दोनों साइड हम भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस में 5/x² और 18 5 90, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90, यहाँ पर रखेंगे 90 और प्लस में 1 और दे रखा है तो प्लस में 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। फाइव एक्स की पावर 7 माइनस 5/x^7 इज इक्वल टू 20। हमसे पूछा है 4x^14 प्लस में 4/x^14 और प्लस में 1। यहाँ पर पावर है 7, यहाँ पर है पावर 14, तो इसका स्क्वायर हो रखा है, लेकिन यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 4, तो 4 की तो बाद में मल्टीप्लाई की होगी इसने, 4 को हटाएं एक बार तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में x^14। तो इस ये वैल्यू कब निकाल सकते हैं हम, अगर हमारे पास यहाँ पर वो x^7 माइनस 1/x^7, तो उसका हम स्क्वायर करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है 5, तो 5 का हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे तो x^7 माइनस यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1/x^7, यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे तो 4। अब इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 18। अब इस वैल्यू को इसने 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौके 72, तो इसकी वैल्यू आ गई 72 और प्लस में 1 और कर रखा है, तो ये हो जाएगा 73। क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 9। हमसे पूछा 4x² प्लस 1/4x², तो यहाँ पर है 2x, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा, यहाँ भी 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x², मतलब ये दोनों वैल्यू सही हैं, हमें सिर्फ इसको स्क्वायर करना है। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस में 2ab, ए कितना है 2x और बी कितना 1/2x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 83। क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। थ्री एक्स माइनस 1/2x इज इक्वल टू 10। हमसे पूछा 9x² प्लस में 1/4x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² आएगा, मतलब ये दोनों तो सही हैं, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा 100 प्लस में 2ab, 2a यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, अगर सिर्फ प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, हमें प्लस 2ab करना है, जब a और b दोनों अपोजिट होते थे, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पर होता था और वही वेरिएबल यहाँ पर, तो वो कैंसिल हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होंगे, तो 2 इंटू a इंटू b, तो b है 1/2x,
एक्स से एक्स कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो 100 और 3 130, 103 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, 7x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6, हमसे पूछा है 49x² प्लस में 1/16x², तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो 49x² होगा, 4x का स्क्वेयर करेंगे तो 16x² होगा, तो 6 का स्क्वेयर करेंगे 36 और प्लस में 2ab, 2a है यहाँ पर 7x मल्टीप्लाई बी है 1/4x, x से x कैंसिल, 2 से इसको सोल्व करेंगे तो 2, तो 7/2 इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3.5, तो 36 और 3 39.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एलसीएम करके पूछा तो इसका एलसीएम करके आंसर निकाल देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। थ्री एक्स माइनस 1/5x इज इक्वल टू 8, हमसे पूछा 9x² प्लस में 1/25x², तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x², 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x², तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस में 2 इंटू ए बी, ए है 3x इंटू बी है 1/5x, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 3 6/5 मतलब 1.2, इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 65.2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, 15x माइनस 3/2x इज इक्वल टू 10, हमें निकालना है 75x² माइनस प्लस 3/4x² प्लस में 1, तो यहाँ पर इसने 3 दे रखा है, 3 कैसे आया होगा, इसने 3 की मल्टीप्लाई की होगी बाद में, तो हम पहले 3 को हटाते हैं तो 3 को इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25x², और यहाँ से हो जाएगा 1/4x², इस प्लस उनको बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर 25x² कैसे आया होगा, ये होता है 5x² तो यहाँ पर ये 5x होगा और 4x² मतलब यहाँ पर 2x होगा, तब इसका स्क्वेयर 4x² होगा और इसका स्क्वेयर 25x², लेकिन यहाँ पर है 15x और यहाँ पर है 3, तो इस 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड 3 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 5x और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल तो 1/2x और ये हो जाएगा 10/3। अब इसका स्क्वेयर करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्वेयर करेंगे 100/9 प्लस में 2ab, ए है यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई बी है यहाँ पर 1/2x, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और इसका एलसीएम लें तो 9 5 45, तो 145/9 ये वैल्यू किसकी है, 25x² प्लस 1/4x² की ये वैल्यू है, लेकिन इसने इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145/9 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 145/3, और फिर इसने प्लस 1 और कर रखा था तो प्लस 1 करेंगे तो 3 1 3 और 148/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा उसको हटा के फिर देखेंगे ये किसका स्क्वायर बनेगा, वही हमें यहाँ पर वैल्यू बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं, 9x³ माइनस 3/5x³ इज इक्वल टू 15, हमें निकालना 36x⁶ प्लस में 4/25x⁶ और प्लस में 1, तो यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को हटाते हैं सबसे पहले, तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3x³ माइनस में 1y⁵x³ इज इक्वल टू 3 5 15, यहाँ पर आ जाएगा 5, दोनों साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये 4 है, ये 4 कहाँ से आया होगा, इसने बाद में इस 4 की मल्टीप्लाई की होगी, तो पहले इस 4 को हटाते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 9x⁶ प्लस में 1/25x⁶, तो अब ये कैसे बना होगा, ये 3x³ का स्क्वेयर है और ये 5x³ का स्क्वेयर है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसका स्क्वेयर करके, तो 5 का स्क्वेयर 25 प्लस में 2ab, a है यहाँ पर 3x³ मल्टीप्लाई b, बी है यहाँ पर 1/5x³, इससे ये कैंसिल, अब ये 5 तो कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 6/5, 25 5 125, 125 और 6 131/2,
5। ये वैल्यू किसकी है, ये है 9x की पावर 6 प्लस में 1 अपॉन 25x की पावर 6। लेकिन इसने इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो हम भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जगह 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 एकम 4 और एक 5, तो 524/5। ये वैल्यू किसकी है, ये है 36x की पावर 6 प्लस में 4 बटे 25x की पावर 6 की, लेकिन इसने प्लस 1 और कर रखा था, तो प्लस 1 और कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 529/5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है उनको हटाएंगे, फिर सुकेर वाली ट्रिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 105, 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 12। हमें निकालना 9x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर कैसे बना होगा, यहाँ पर होता 3x तो उसका स्क्वायर हो जाता ये, और 4x स्क्वायर कैसे बना होगा, यहाँ पर होता 2x तो उसका स्क्वायर हो जाता, तो हमें यहाँ पर 3x बनाना पड़ेगा। 3x कैसे बनाएंगे, तो 3 की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अब 2 को हटाना पड़ेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल और ये ऊपर बन जाएगा 3x। तो 3/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की है, तो 3/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी और 3/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हो जाएगा 3x और माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2x और यहाँ से हो जाएगा 2 6 12, 6 3 18। अब इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, 18 का स्क्वायर 324 प्लस में 2 इंटू ए 3x इंटू बी, बी है 1/2x, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 324 और 3 327, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 12। हमें निकालना 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर कैसे बना होगा, यहाँ पर होता 3x तो उसका स्क्वायर हो जाता, और 16x स्क्वायर कैसे बना होगा, यहाँ पर होता 4x तो उसका स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पर हमें 3x बनाना है, तो 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4 को हटाना तो 4 से डिवाइड कर देंगे तभी 3x बनेगा, तो 3/4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी और 3/4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 1/4x और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 3 3 9। अब इसका ये स्क्वायर हो रखा है, तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी 1/4x, एक्स से एक्स कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 1.5, तो 82.5 हो जाएगा। और अगर एलसीएम में निकालना हो तो 2 एकम 2, 2 8 16 और प्लस में 3/2, तो 165/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या 82.5। क्वेश्चन नंबर 107, एक्स माइनस 1/9x इज इक्वल टू 4। हमसे पूछा है 9x स्क्वायर प्लस में 1/9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर यहाँ पर कैसे आया होगा, यहाँ पे होता 3x तो उसका स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पर 9x स्क्वायर तो यहाँ भी 3x होता तो उसका स्क्वायर हो जाता, तो दोनों जगह 3x बनाना, क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे की है तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, इससे 9 को कैंसिल करेंगे तो 3, तो 1/3x और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 2ab, तो 2a है यहाँ पर 3x और b है यहाँ पर 3x, तो 3x से 3x कैंसिल, जब a और b दोनों अपोजिट हों, जो वेरिएबल यहाँ पर है वो वेरिएबल यहाँ पर हो, तो सिर्फ 2 प्लस कर लेंगे, a और b लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 146। क्वेश्चन नंबर 108, 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 3। हमसे पूछा 625x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। तो 625x स्क्वायर यहाँ पर कैसे आया होगा, ये होता है 25x का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें 25x बनाना है और यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ x रखना है, तो इस 5 को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर 25 बनाना है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो गया अब ये 25, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी और फिर यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 25x माइनस में ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1/x और 3 5 15। अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 2ab, a है यहाँ पर 25x
मल्टीप्लाई बी है 1 बाई एक्स, ये एक्स है यहाँ पर, एक्स से एक्स कैंसिल, 25 दूनी 50, 225 और 50 275। क्वेश्चन नंबर 109, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 8। हमसे पूछा है एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस में 1 बाई एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये x प्लस 3 का स्क्वेयर कैसे हुआ है, यहाँ पर x प्लस 3 होता तो उसका स्क्वेयर हो जाता, x प्लस 3 का स्क्वेयर तो इसका स्क्वेयर, तो ये वैल्यू तो ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्लस 3 और करना है, तो दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 3 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे और यहाँ भी 3 को ऐड करेंगे। अगर जब मल्टीप्लाई करनी होती है जैसे x माइनस 1 बाई 2x होता और यहाँ पर ये 4 होता, तो दोनों साइड अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होती तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करते और यहाँ भी 2 की, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों से होती, इससे भी और इससे भी, तो मल्टीप्लाई हम दोनों साइड करते हैं, मतलब दोनों वेरिएबल से करते हैं, लेकिन जब प्लस करना हो तो हम एक ही साइड कर लेते हैं, इससे प्लस कर लो पूरी टर्म में ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, तो 8 और 3 11, इसका स्क्वेयर हो रखा है, तो 11 का स्क्वेयर 121 प्लस में 2ab, ए और बी दोनों अपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 121 और 2 123। क्वेश्चन नंबर 110, टेन एक्स माइनस 5 बाई 3x इज इक्वल टू 30। हमसे पूछा है 45x² प्लस 5 बाई 4x² प्लस में 1। तो यहाँ पर ये 5 दिखाई दे रहा, 5 यहाँ से कैसे आया होगा, इसने इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो पहले हम इस 5 को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस में 1 बाई 4x², तो ये 3x का स्क्वेयर दिखाई दे रहा है, ये 2x का, मतलब यहाँ पर 3x होगा और नीचे 2x, तो वो वैल्यू हमें बनानी है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये 5 दिखाई दे रहा है, इसको हटाते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 3x, और यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे तो 6। तो 9x² यहाँ से कैसे आया होगा, यहाँ पर होता 3x तो उसका स्क्वेयर हो जाता, 4x² यहाँ पर होता 2x तो उसका स्क्वेयर हो जाता, लेकिन ये वैल्यू दोनों अलग दे रखी है, यहाँ पे होता 2x और यहाँ पर 3x, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3x बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, अब इस 2 को हटाना, तो 2 से डिवाइड, तो दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बाई 2x, और 2 3 6 3 3 9, अभी इसका स्क्वेयर हो रखा है, तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वेयर 81 प्लस में 2ab, ए है 3x मल्टीप्लाई बी है 1 बाई 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 81 प्लस 3 84, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये तो सिर्फ 84, ये 84 तो इसकी वैल्यू है, लेकिन इसने इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई और किया था तब जाके ये बनी थी, तो ये दो टर्म है, ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगी, तो हम 84 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 20 5 × 8 40 और 2 42, तो ये वैल्यू है इस दो टर्म की, और इसने प्लस 1 और कर रखा था, तो प्लस 1 और कर देंगे, तो 421 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 25x³ माइनस 5/4x³ बराबर 50। हमसे पूछा है 48x⁶ प्लस में 3/25x⁶ और प्लस में 1। तो सबसे पहले इस 3 को हटाते हैं, ये 3 इसने 3 का बाद में मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 16x⁶ प्लस में 1/25x², अब ये 4x³ का स्क्वेयर दिखाई दे रहा और ये 5x³ का स्क्वेयर दिखाई दे रहा, तो वे वैल्यू हमें यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो इस 5 को हटाते हैं, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5x³ माइनस 1/4x³ और यहाँ से 5 की डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16x⁶ ये कैसे आया होगा, यहाँ पर 4x³ होता तो उसका स्क्वेयर हो जाता, और 25x², यहाँ पर 5x³ होता तो उसका स्क्वेयर हो जाता, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की जगह पे हैं, इन दोनों को पलटी करते हैं, तो यहाँ पर हमें 4x बनाना है, तो 4x बनाना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस 5 को हटाना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 4/5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और 4/5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो 4x³ माइनस
फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा तो 5x³ हो जाएगा। 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8। अब इसका ये स्क्वायर हो रखा है तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में 2ab, a है यहाँ पर 4x³ मल्टीप्लाई बी, बी है यहाँ पर 5x³, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 तो कैंसिल होगा नहीं, और ऑप्शंस में एलसीएम से कर रखा है तो एलसीएम से कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 5 × 20, 5 × 6 = 30 और 2 = 32 और प्लस में 2 × 8 तो ये हो जाएगा 328/5। ये वैल्यू किसकी है, ये है इसकी, और इसने इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई और कर रखा है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 और 3 × 3 = 9 प्लस में 5। अब इसकी वैल्यू है ये 984/5, इसने +1 और कर रखा था तो +1 करेंगे। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो 5 × 5 और ये हो जाएगा 989/5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।